सारा माल ब्लास्ट हो गया है। नहीं 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 नहीं, क्या बोलता है तू? मेरा यकीन कीजिए सर। पागल हो गया ये, सुना तुमने? पागल हो गया है, कहता है हमारा सारा माल आदमियों समेत ब्लास्ट हो गया है। ऐसा हो नहीं सकता, समझे? कभी नहीं। मगर ऐसा हुआ है। क्या हुआ है? बोल। हमारा सारा माल ब्लास्ट हो। नाम, नाम क्या उसका? बोल, बोल मुझे। नाम क्या है? लाल बाज। अच्छा नहीं लगता। मिटाना होगा, मिटाना होगा। अरे कालिया, तू है? दादा मुझे माफ कर दीजिए, माँ की तबीयत बहुत खराब है, इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने आपके नाम की सुपारी ले ली। सुपारी? हमको मारने के लिए सुपारी ली है? कितने रुपया की? 3 लाख रुपए की दादा। 3 लाख? हाँ। हमारा जो दुश्मन है उनसे जाकर के बोलिएगा कि कितना साल से है रेट पर चल रहे हैं, हमारा स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा रेट बढ़ाने को बोलिए, इतना कम दाम पे हमारा बहुत इंसल्ट होता है। नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम, कैसे हैं? हालचाल ठीक? बढ़िया? काहे का बढ़िया, आप कहाँ खिसक रही हैं? ए, मैं तो घर से खिसक रही थी, मगर तू साइकिल में दूध लाते लाते ट्रक के सामने आके इस दुनिया से खिसक सकता है। इसीलिए कहती हूँ मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की एजेंसी है, अपना इंश्योरेंस करवा लो। मैम साहब, अठा अपनो बीमो करवाने को नहीं आया हूँ, मैं हमारी रकम वसूल करने आया हूँ। हमारे 970 रुपया बाकी है। अरे 10 दिन हो गए, मैंने 50 का नोट नहीं देखा, तुम 970 रुपए की बात कर रहे हो? मटकी बिब्बू नहीं, तुम नहाने की बात कर रहे हो? तुम लोग का पैसा खा जाऊंगी क्या मैं? जब आएगा तो चुका दूंगी। हाँ, पर क्या सुधी इंतजार करी, 3 महीना तो थी गया। हमारा तो 11 महीना हो गया। 11 महीने हुए ना, कोई 12 महीने का 1 साल तो नहीं हुआ, फिर काहे को चिल्ला रहे हो? जरा मेरी कड़की के साथ एडजस्ट कर लो। लेकिन कब तक एडजस्ट करें? एक काम करो, अगले हफ्ते आके अपना कर्जा ले जाना, ठीक है? वैसे भी टाइम क्या हुआ? 10:30। 10:30? हाँ। देखो। चलो है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अरे अरे, आज फिर चकमो दे दियो, फिर मुद्दू बनाए गई। गुड मॉर्निंग। हाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, कैसे हो कालू? मैं तो ठीक हूँ, पर साहब बहुत गुस्से में हैं, बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। जाइए। गुड मॉर्निंग सर। काहे का गुड मॉर्निंग? सर, आपके इस बैड मूड को गुड मूड में जरा एडजस्ट कीजिए ना। जस्ट शट अप। चलिए, आपके शट अप को मैंने थैंक यू के साथ एडजस्ट किया। कहिए कैसे बुलाया मुझे? ये देखो, ये लेटर हेड ऑफिस से आया है। तुम्हारी पूरी करियर में तुमने सिर्फ 4 पॉलिसियां बनाई, जिसमें से 2 मारे गए। एक अपनी बीवी से तंग आकर बिजली के खंबे से लटक के मरा, और दूसरा लोकल ट्रेन से कूद गया। लेकिन सर, मैंने चलती ट्रेन से किसी को धक्का थोड़ी दिया था, और किसी को रस्से से बांध के खींचा था। वो दुनिया से बोर हो गए थे सर, इसलिए पल्लक भी एडजस्ट हो गए। अगर 1 महीने के अंदर अंदर तुमने 40 लाख की पॉलिसियां नहीं बनाई, अपना कोटा पूरा नहीं किया, तो समझ लो तुम्हारी एजेंसी खत्म। बाल बच्ची भूखे मर जाएगी सर। फिर झूठ बोल रही हो। सर, जब नौकरी होगी तो पैसे होंगे, पैसे होंगे तो शादी होगी, जब पैसे नहीं होंगे तो शादी कहाँ से होगी सर, और जब शादी नहीं होगी तो बच्चे कहाँ से होंगे सर? ओफो, तुम बातें बहुत करती हो, काम करो, काम करो, 40 लाख का कोटा पूरा करना है। वो हो जाएगा सब, मैं सर, I promise, मैं बताऊं। बातें बनाने से कुछ नहीं होता, करके दिखाओ, वरना सब परेशान क्यों होते हैं? छोटी मोटी मुश्किलों के साथ आप जरा मुस्कुरा के एडजस्ट कीजिए, आपकी लंबी जिंदगी
एक छोटी सी दुनिया के साथ एडजस्ट हो जाएगी सर। जस्ट शट अप। सर मैं कुछ आपसे एंड गेट आउट। सर मेरी बात तो आउट। सर मेरी बात तो सुनिए। आउट, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आउट सर। परेशानी के साथ कोई एडजस्ट ही नहीं करता, सबको अपनी अपनी पड़ी है। एक आदमी ट्रक के नीचे आके मर गया, उसके मरने का किसी को दुख नहीं। कंपनी रो रही है क्योंकि पैसा देना पड़ रहा है, और घर वाले खुश, जो जी के नहीं दे पाया वो मरते मरते दे गया। आदमी की जान की तो किसी को परवाह ही नहीं है, ऐसे में कोई भला इंसान कैसे जिए, समझ में नहीं आता। गाड़ी चलाने की तमीज है आपको? हर कार वाला यही समझता है, ये सड़क उसकी बाप की जायदाद है और पैदल चलाना बिल्कुल बेकार। कुछ लेके निकल जाओ भाई। ए देवी जी, अब बोलिएगा 105 मील की रफ्तार से, देखिएगा गगन की ओर और चलिएगा इसे जैसे अल्फ्रेड पार्क में टहलने निकली आए तो माथा तो फूटेगा ही आपका। अरे अरे, कसूर कोई और करे और इल्जाम किसी और पे, शराफत का जमाना ही नहीं रहा। अब चाहते क्या है मैम साहब, ये तो बोलिए, जुर्माना भर दें। जान का भी कोई जुर्माना होता है? चलिए माफ किया आपको, लेकिन हमें घर तक छोड़िए, हमें घर जाना है। हाँ ओहो, तो ऐसा बोलिए ना कि आपको लिफ्ट चाहिए। चलिए गाड़ी में बैठ जाइए, छोड़ देते हैं घर। आप शक्ल से तो आदमी शरीफ लगते हैं। और जब शरीफ है तो शरीफ ही लगेंगे ना। वो भी। कहाँ जाना है बोलिए? घंटा घर के पास। जी। वैसे आप काम क्या करते हैं? जान के क्या कीजिएगा? अरे भाई, काम जानने से आदमी की नेचर के बारे में मालूम पड़ता है, उसके स्टेटस के बारे में जानकारी बढ़ती है, उसकी पॉलिसी के बारे में ज्ञान बढ़ता है। मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ, आपने कभी अपना इंश्योरेंस किया है? और इंश्योरेंस की क्या जरूरत है? अरे भाई, अभी आप गाड़ी चलाते चलाते मुझसे टकराने की जगह किसी ट्रक से टकरा जाते तो आपकी गाड़ी के साथ साथ आपका भी कबाड़ा हो जाता ना। भगवान ना करे कहीं कुछ हो जाता तो आपके घर वाले परेशान होते ना, होते ना? ये आपका मकान आ गया है, चलिए। घर तो आता ही रहेगा, लेकिन मैं तो आपके भले के लिए इंश्योरेंस की बात कर रही थी। चलिए उतरिए, यहाँ से आपका घर बहुत नजदीक है। वो उतरिए ना, हमारा मुखिया देख रही है। अरे कब मिलेगा पता तो बता के जाइए। कमाल का आदमी है, न पता बताया न ठिकाना बताया, न हाय किया न बाय किया, चला गया। अरे मुझे देखे तो गूंगे भी बोलते हैं, हेलो बेबी, स्वीटी, कॉल मी, मीट मी। लेकिन ये तो क्या बात है, कौन था वो? था कोई कार वाला। ओहो, लगता है आज तुम्हें कोई सरफिरा मिल ही गया। यार निशा, अजीब आदमी था, अनजान बन के मिला, मगर एक बात थी उसमें। अरे तुम्हारी इन बातों में कोई खतरनाक बात है? ऐसे कोई बात नहीं, मगर एक खास बात थी उसमें। हेलो। हाँ जी बोलिए। सुनिए शेखर बाबू है क्या? खोल कीजिए, मैं देखता हूँ। एक कमरे का तो घर है आपका, कहाँ देखेगा? उनसे कहिए घबराने की बात नहीं है, लाल सिंह का फोन है, दीजिए। माफ कीजिए, पूजा कर रहा था, कहिए क्या बात है? नमस्कार करते हैं जी। नमस्ते। देखिए मनोहर लाल जी के बेटे हैं छोटे, दूसरी क्लास में, उनको परमिशन कहा बोल रहे हैं, एडमिशन की जरूरत है तो करा दीजिएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो शर्मा जी को हमारा नाम ले दीजिएगा, हो जाएगा। ये अनाज मंडी के व्यापारी आपसे मिलने आए हैं। नमस्ते जी। आइए आइए, क्या बात है? बोलो बोलो। हम व्यापारियों की इच्छा है कि आपका सम्मान करें। हमारा सम्मान करेंगे? हमसे जो काम है वो बोलिए, काहे मुंह पे जूता मार रहे हैं। क्षमा चाहते हैं सरकार, अब आपसे क्या छुपाना है? पूरा व्यापारी वर्ग विक्रम बाबू और उनके भाई के कारनामों से परेशान है। हम चाहते हैं सरकार कि आप खुद चल के हम लोगों का दुखड़ा जरा सुन ले। ओहो, शॉर्टकट में बात कीजिए, हमारी मदद चाहिए। जी हाँ। तो डायरेक्ट क्यों नहीं बोलते हैं? कहिए बोलो जी, क्या करना चाहिए? करना चाहिए। नमस्कार करते हैं हुजूर। हम अंदर आ सकते हैं? अंदर आने के बाद हमसे पूछते हो कि हम अंदर आ सकते हैं? और जब हमारा स्टाइल ही ऐसा है तो हम क्या करें? ओह लाल बादशाह जी। नमस्कार नमस्कार। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? टोपी वाले के सामने हमारे पाँव पे गिरिएगा तो साहब नाराज हो जाएंगे, बिना वजह आपको अंदर कर देंगे, आप देखते रह जाइएगा। चलिए निकलिए निकलिए, जल्दी निकलिए यहाँ से। हाँ हुजूर। हाँ बोलो। क्या बात है हुजूर? बिक्की बाबू मंडी के जितना व्यापारी लोग हैं उनको बहुत दुख दे रहे हैं। एक तो उन लोगों का धंधा मंदा,
ऊपर से आपके भाई साहब की हफ्ता वसूली। तो तुम मंडी वालों के वकील बनकर आए हो, उनके दलाल बनकर दलाली करने आए हो? दलाली नहीं सरकार, नमक हलाली करने आए हैं। गरीबों की बस्ती में, गरीबों की थाली में, गरीबों का नमक खा के गरीब बड़ा हुआ है, इसीलिए तो हमसे उनका दुखड़ा टॉलरेट नहीं होता। और एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है साहब, जवान दे दिए हैं हम। लाल सिंह जान दे देगा, जवान नहीं जाने देगा।